हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माधवीज फ्यूजन किचन। आज मैं एक मिठाई की रेसिपी आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ ही झुमरी तिलैया की बहुत ही फेमस मिठाई है। इसका नाम है कलाकंद। जिन्होंने एक भी बार वो खाया है वो जानते हैं कि उसका टेस्ट बिल्कुल अद्वितीय है। तो आइए हम आज बनाते हैं केसरिया कलाकंद। इसके लिए हमने लिया है फुल क्रीम मिल्क 1 लीटर, सिट्रिक एसिड क्रिस्टल्स 1/4 टीस्पून, पिसी हुई शक्कर 100 ग्राम, केसर 1 चुटकी, बारीक कटा हुआ पिस्ता 1 टेबलस्पून, बारीक कटे बादाम 1 टेबलस्पून। सबसे पहले मैं दूध को एक भारी तले वाले पतीले में उबलने के लिए छोड़ दूंगी। इस बीच मैं कटोरे में सिट्रिक एसिड क्रिस्टल्स को 2 चम्मच पानी में घोल लूंगी। उबालते समय दूध को कंटिन्यूसली चलाना है ताकि दूध नीचे से जल ना जाए। अब मैं केसर को उबलते दूध में डाल दूंगी और दूध को चलाती रहूंगी। जब दूध घटकर 1/2 लीटर से भी कम हो जाए तो कुछ बूंद सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन डालकर फ्लेम बिल्कुल सिंपर कर दूंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दूध में छोटे छोटे पनीर के ग्रेन्स बन रहे हैं। इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर में बूंद बूंद करके सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन डालती रहूंगी। इससे पूरा दूध धीरे धीरे कर्डल होकर छोटे छोटे पनीर के ग्रेन्स बनने शुरू हो जाएंगे। जब ये घना हो जाए तो मैं पिसी हुई शक्कर को थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में डालूंगी। शक्कर आप एक ही बार में बिल्कुल ना डालें, इससे शक्कर से पानी निकल जाएगा और पनीर काफी च्यूई हो जाएगा और सॉफ्ट नहीं बनेगा। दोस्तों, इस कंसिस्टेंसी पर आने पर मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब मैं एक प्लेट लूंगी जिसे मैंने पहले से ही घी लगाकर रखा था, उसमें मैं कलाकंद के मिश्रण को सेट करूंगी। प्लेट को थोड़ा टैप कर लूंगी ताकि एयर बबल्स निकल जाए। अब इसे ऊपर से पिस्ता और बादाम और केसर के धागे से सजाकर इसे 6 से 8 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए छोड़ दो। ठंडा होने पर कलाकंद अच्छे से सेट हो जाएंगे। आप चाहें तो इसे शेप में काट कर परोसे या इसे स्कूप करके शॉट ग्लास में परोसे। दोस्तों, केसरिया कलाकंद तैयार है। आप भी इसे घर पर ट्राई करें और अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशंस मिस आउट ना हो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंस्टाग्राम यूजर्स मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @potpourriwonders पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।